सो सोकिज आज की इस वीडियो में इंस्टॉल करेंगे काली नेट अंडर अपने इस नॉन रूटेड एंड्रॉड फोन के अंदर बिना इस फोन को रूट किए हुए बिना कोई कस्टमर रिकवरी डाले हुए और बिना इसकी वारंटी अवॉइड करे हुए सो सजेज ये वीडियो फुल डिटेल और बहुत ईजी स्टेप्स में होने वाली है तो वीडियो पूरी देखना और हाँ गाइस क्योंकि ये फोन नॉन रूटेड है तो इसके अंदर काफ़ी टूल्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन है काफी टूल सही से वर्क नहीं करेंगे बट मैक्सिमम टूल्स यहाँ पे ईजीली वर्क करेंगे फाइन ठीक है सो कि चलो मैं आपको अब स्टेप शो करता हूँ सो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँ कि ये मेरा फोन नॉन रूटेड है सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे शो हो रहा है वेरीफाई रूट स्टेटस और जब मैं यहाँ वेरीफाई रूट पे क्लिक करूँगा तो सॉरी रूट एक्सेस इज़ नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस और डिवाइस का मॉडल है मेरा यहाँ पे Redmi Note 10 Pro और ये करंटली Android वर्जन 12 पे है और हाँ Android वर्जन 12 पे थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं कई बार स्टॉप्ट हो जाती है सर्विसेज लेकिन उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो सो गाइस फर्स्ट ऐप यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है वो है टर्मस सो so, चलो टर्मक इंस्टॉल करते हैं सो so, गाइस आपको जाना है यहाँ पे अपने किसी भी ब्राउजर पे मैं यहाँ पे फायरफक्स यूज़ कर रहा कराऊँ और आपको यहाँ पे सर्च करना है टर्मकस एफड्रॉइड क्योंकि जो टर्मक्स है वो प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इस लिंक से यहाँ पर एफड्रॉइड से डाउनलोड करो वहाँ पे लेटेस्ट पैकेज अपडेटेड है इसका सो so, किस आपको यहाँ पे, पे पेज ओपन हो जाएगा टर्मक्स का आपको नीचे जाना है वो हम नीचे जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड ए का ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है सो so, आपका यहाँ पे टर्मक्स का ए पी के इंस्टॉल हो जाएगा सो so, कि सेकंड ऐप हमें जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करना है वो है हमारा नेट हंटर स्टोर सो अब नेट हंटर स्टोर इंस्टॉल करेंगे उसके लिए आपको सर्च करना है नेट हंटर स्टोर ए पी के सो ऑफिशियल साइट पे ओपन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको डाउनलोड स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा ठीक है इन दोनों को आप पहले डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना सो so, ये दोनों तो हमारे इंस्टॉल हो गए अब मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ गए हैं नेट हंटर स्टोर और टर्मक्स के सो so, कि okay, चलो अब अपना लास्ट ऐप इंस्टॉल करते हैं जो है नेट हंटर कैक्स क्लाइंट सो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको नेट हंटर का ऐप ओपन करना है यहाँ पर आपको सर्च करना है नेट हंटर और आपको मिल जाएगा कैक्स बाई वी ठीक है ये एक वी एन व्यूअर है ठीक है सो so, इसको इंस्टॉल कर लेना आप अब अपने जो तीन मेजर एप्स है जो हमें इंस्टॉल करने थे इस प्रोसेस में सारे हो चुके हैं स्टेप तो ये तीन एप मस्ट है अगर आप कालिनेक्स यूज करना चाहते हो अपने एंड्रॉइड फोन पे इन जी आई मोड ठीक है सीएलआई में तो बिना वी एनसी व्यूअर के भी यूज कर सकते हो तो चलो आप टर्म्सक् कालीन एटेंडर को इंस्टॉल करते हैं तो टर्मक्स ओपन करोगे जब भी आप फर्स्ट टाइम टर्मक्स ओपन करो तो उसको सेटअप जरूर कर लेना के लिए आपको कमांड यहाँ पे एंटर करना है टर्मक्स हाई फन सेटअप हाई फन स्टोरेज स इस कमांड को जैसे ही आप एंटर करोगे सो आपका टर्मक्स परमिशन मांगेगा स्टोरेज की ठीक है सो आपको अलाउ कर देनी है अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है वो हम टर्मक्स की रेप और पैकेजेस अपडेट करेंगे सो so, उसके लिए हम कमांड डालेंगे एपीटी अपडेट तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पैकेजेस पैकेज के वो अपडेट हो जाएंगे इनके लिंक सारे तो so, आप देख सकते हो तो ये अपडेट हो चुका है अब हम इन्हें अपग्रेड करेंगे सो so, उसके लिए आपको कमांड डालना है एपीटी अपग्रेड साथ में भी कमांड आ सकते हो दोनों लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप शो कर रहा हूँ अब यहाँ परमिशन मांगेगा आपसे तो आपको यहाँ पे यस yes कर देना वाई कर देना है वाई करके कर एंटर कर दोगे सो so, ये अपडेट करने लग जाएगा जितने भी पैकेजेस थे जितनी भी लाइब्रेरीज थी टर्म्स की वो सारी अपडेट होने लग जाएंगी सो so, आपको वेट करना है थोड़ा टाइम के लिए तो so, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी आ रहा है और कूल लग रहा है ना थोड़ा सा ये अब गज़ यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कि हमें करंट वर्जन रखना है कि नहीं रखना तो so, अगर आपके फोन में स्पेस कम है तो इसको नो कर देना तो so, जहां भी जितनी बार भी आस करेगा सब में नो करना है आपको ये आपका टर्मक्स यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है so, सो सोगेज अब हमारा टर्मक्स तो फुल सेटअप हो गया है अब इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं काली नेट हंटर की रूट एफ एस फाइव के लिए आपको जाना है अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे यहाँ पे आपको सर्च कर देना है काली नेट हंटर नॉन रूट क्योंकि हमारा नॉन रूट डिवाइस है और रूट डिवाइस पर देखना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है आई कार्ड में आए होगी चेकआउट कर लेना सो so, आप रूटलेस वाले वर्जन पर ओपन कर देना उसको सो so, क्या जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपके सामने एक पेज खुल जाएगा नेट हंटर का नेट हंटर रूटलेस और यहाँ पे आपको देखो इसके बारे में बता रखा है इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स बता रखे हैं लेकिन वो तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता ही रहा हूँ ठीक है सो so, यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे ओपन टर्मक्स एंड टाइप ठीक है सो इस वाले ऑप्शन पे सो देखो हमने फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे कर लिया सेटअप हमने टर्मक का स्टोरेज परमिशन दे दी है देन यहाँ पे आपको पैकेज स्टॉटॉल डब्ल्यू गैट डब्लू गेट को इंस्टॉल करने अपने टर्मकस पर और देन ये सारे कमांड्स हैं यहाँ पर तो आप ये भी कर सकते हो जस्ट ये सारे कमांड कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो और वन बाई वन भी कर सकते हो सो so, क्या okay, चलो अब अपने टर्म्स में इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने ये सारे कमांड्स सा आए होंगे पैकेज इंस्टॉल डब्लू गेट एंड देन डब्ल्यू गैट का कमांड ठीक है so, सो यहाँ पर आपको कमांड ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और इसको अगर टाइप भी कर सकते हो सो so, बेसिक देखो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ तो so, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए और स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ सो so, कैसे ये जो कमांड मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो क्लियर कमांड था और कैसे अगर टर्मक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है और बेसिक्स कमांड्स के बारे में मैंने उसके बारे वीडियो बना के वो भी चेकआउट कर लो सो लेट्स बिगिन इंस्टॉलेशन सो हमें यहाँ पे टाइप करना है कमांड पैकेज इंस्टॉल डब्लू गेट ठीक है अब यहाँ पे हमारा डब्लू गेट इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे परमिशन मांगेगा येस yes कर देना आपको अब देखो डब्लू गेट इंस्टॉल हो गया देन आपको जाना है वापस इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे यहाँ पे देखो एक लिंक है डब्ल्यू गेट का ठीक है इस लिंक को आपको यहाँ पे कॉपी करना है लिंक सही से कॉपी करना कई बार लिंक सही से कॉपी नहीं होता तो इशू आता है इंस्टॉलेशन में ठीक है सो लिंक प्रॉपर कॉपी करना देन यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और कॉपी का पेस्ट का काम तो यार बहुत ईजी होता है वो so, फिर यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है देन हमें जाना है थर्ड स्टेप पे थर्ड स्टेप पे ये देखो क्या दिखा रहा है हमने जो नेट हंटर की जो फाइल डाउनलोड करी है उसको एक्जीक्यूटेबल बनाना है ठीक है उसको एग्जीटेबल बनाने के लिए आपको ये कमांड यहाँ पर डालना पड़ेगा सी एच मोड प्लस एक्स टर्मक्स वाला सो so, अगर मैं यहाँ पे एल एस करूँ तो आपको दिखा सकता हूँ देखो ये नेट हंटर की जो रैप हो है ठीक है सो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है सी एच मोट कमांड अब ये एक्जीक्यूटिवल होगी अब देखना ये ग्रीन कलर में हो जाएगी सो इट मीनस ये एग्जीक्यूटिवल है सो so आपको यहाँ पे अब इसको रन कर देना है जस्ट सो हम सिंपल कमांड यहाँ पे जो यूज़ करेंगे रन का हाँ माँ सो जियो मार्ट वाला आ गया आता हूँ थोड़ी देर में सो so यहाँ पे हम डॉट और फोटो स्लैश कमांड डाल के यहाँ पे जब प्रोग्राम का नाम पेस्ट करेंगे यहाँ पे और इसको एंटर करेंगे सो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ रन होने लग जाएगा सो किस यहाँ पे आप देख सकते हो तो काली नेट हंटर नॉन रूट का प्रोग्राम ओपन हो चुका है क्योंकि तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको कौन सा आर्किटेक्चर इंस्टॉल करना है ठीक है सो नेट हंटर आम सिक्सटी फुल वर्जन हम यहाँ पे फुल वर्जन इंस्टॉल करेंगे आप इंस्टॉल कर सकते हो मिनिमल डिपेंड करता है अगर आपके फोन के स्पेक्स काफ़ी कम है तो सो किस यहाँ पे आपको जस्ट वन टाइप करके एंटर कर देना है क्योंकि जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे पैकेजेस की डिपेंडेंसी लोड होगी और यहाँ पे देखो काली नेट हंटर की रूट एफ फाइल यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगी और गैस ये रूट एवर्स फाइल इंस्टॉल हमने काफ़ी टाइम लगेगा सो जाओ थोड़ा चिल करो चाय वाई पियो खाना वाना खाओ और अराउंड पंद्रह से बीस मिनट लग जाएंगे डिपेंड करते है आपकी इंटरनेट स्पीड पर क्योंकि तो अगर मोबाइल डाटा यूज़ करो तो ईजिली टू जी डाटा आपका यहाँ पर यूज़ हो सकता है ठीक है सो उस हिसाब से इसको डाउनलोड करना देन यहाँ पर चलो वेट करते हैं थोड़ी देर One eternity later. So और जो भी और इसमें भी काफी लंबा टाइम लगने वाला है इसमें भी अराउंड पांच से दस मिनट लगेंगे ईजिली और डिपेंड करता है फोन की स्पेक्स पे भी और स्पीड पे भी तो पंद्रह मिनट भी हो सकते हैं सो वेट करो या फिर मेरी कोई पुरानी वीडियो देख लो या मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हो तब तक और हाँ इसको थमक्स को किल मत करना ठीक है ये बैकग्राउंड में रन होएगा सो so, किस पाँच मिनट बाद ये इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट डाउनलोड रूट एफ फाइल सो so, अगर आपके फोन में स्टोरेज कम है तो आप डिलीट भी कर सकते हो लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको डिलीट करने का सो so, यहाँ पर आप एन कर देना नो no कर देना So, okay, जैसे एंटर करोगे यहां पे आप देख सकते हो तो काली नेट हंटर आपका यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है जो उसका नॉन रूट वर्जन था ठीक है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसको कैसे यूज करें और कुछ कमांड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं तो चलो मैं आपको शो करता जीओ आई मोड पर कैसे डालना है सो so, आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं टू स्टार्ट काली नेट हंटर टाइप देखो सीएल मोड पर स्टार्ट करना है तो सिर्फ नेट हंटर जस्ट टाइप करके एंटर कर दोगे हो जाएगा लेकिन हमें यहाँ पे इसको जीओ आई मोड पर करना है सो so फर्स्ट हमें यहाँ पे कमांड डालना पड़ेगा नेट हंटर कैक पासवर्ड सो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है सो पासवर्ड ऐसा सेट करना जो ईजी हो जो आपको याद रहे ठीक है को आप डेली देखते हो ठीक है सो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ डैनी डैनियल्स डैनियल्स और वेरीफाई भी कर देना दोबारा सो so, सेम डाल देना किसी और का नाम डाल देना वेरीफाई में ठीक है देन यहाँ पर आपको एंटर हिट कर देना है सो so, यहाँ पर आता है व्यू ऑनली पासवर्ड एनेबल करने का ऑप्शन मैं कर दूँगा नो नहीं और यहाँ पे हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है देन यहाँ पे आपको अगर जी मोड ऑन करना है तो आप देख सकते हो टू स्टार्ट नेट हंटर जी आपको यहाँ पे ये कमांड डालना है नेट हंटर कैक और स्पेस देके एंड ठीक है और एंटर हट करोगे सो आपका यहाँ पे जी मोड का वी सर्वर ऑन हो चुका है सो so, आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट भी आ चुका है फाइव नाइन जीरो वन और ये यह प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है तो so, इस यहाँ पर आपका टर्मक्स ये बैकग्राउंड में रन होना चाहिए इसको क्लोज मत कर देना जस्ट हम होम पे जाएंगे और जो हमारा नेट हंडर कैक्स वाला ऐप था उसको ओपन करेंगे इसको अलाउ करेंगे देन यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड में हम सेम यूज़र नेम डालेंगे जो वो वहाँ पर था वहाँ पर यूजर नेम थाया काली ठीक है पासवर्ड अपना जो हमने डाला था डैनी डैनियल और यहाँ पे पोर्ट नंबर देख लेना वहाँ पे क्या था फाइव नाइन जीरो वन था वहाँ पे एज़ यू कैन सी देखो यहाँ पे आर एफ वी पोर्ट नंबर फाइव नाइन जीरो वन सो अपना पोर्ट नंबर देख लेना देन आपको जस्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देना है जैसे आप कनेक्ट करोगे आप देख सकते हो तो, टडा सो so, कैस यहाँ पे हमारा काली कार्टर जी ओई मोड में सक्सेसफुली रन कर रहा है सो so, कैस मैं शो कर देता हूँ आपके अंदर इसके अंदर क्या क्या है ठीक है सो आपको जस्ट यहाँ पे जाना है और इनपुट मोड पर देख लेना सिमिलर टच पैड पर हो और यहाँ पर आप देख सकते हो तो, कर्सर मूव कर सकते हो अपने फिंगर से टच से ठीक है सो आप देख सकते हो ऑल एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रही है इनफॉर्मेशन गैदरिंग की एप्लीकेशन शो हो रही है एन मैप ठीक है वोबी एन में एन मैप आता है दोबारा वेब एप्लीकेशन एन में स्किल मैप अपना ठीक है डाटा बेस मैनेजमेंट के लिए भी पासवर्ड अटैक्स के लिए जो दर पर है एंड वायरलेस टैक्स के लिए यहाँ पे आपको सारे एप्स मिल जाते हैं कि स्मार्ट रीवर वाईफाई ठीक है और एक्सप्लोटेशन टूल्स ये सारे टूल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कई टूल्स यहाँ पे सही से वर्क नहीं करेंगे क्योंकि नॉन रूट डिवाइस है ठीक है और एंड्रॉइड ट्वेल्व में काफ़ी इशूज आएगा कई बार ये क्लोज भी हो जाएगा ठीक है और हाँ अगर पुराने वर्जन पर हो तो बहुत स्मूथ चलेगा बेस्ट चलेगा ये ठीक है और एंड्रॉइड थर्टीन के अपडेट्स में भी ये सॉल्व हो जाएंगे सारे इश्यूज़ अगर कोई कॉमन इशू हुआ तो उसके ऊपर मैं अपडेट डाल दूंगा ठीक है अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो लाइक तो अभी ड्रॉप कर ही दो और हाँ का ये तो टर्मक्स को यूज़ करके हमने काल्लेक्स इंस्टॉल किया अपने एंड्रॉइड फोन में एक और मैथड जिसके अंदर हम लिम्बो पीसी एमुलेटर को भी यूज़ करते हैं सो इस उसके ऊपर भी वीडियो अच्छी होगी तो कमेंट जरूर कर देना सो so, इस देखा आपने कितना था काली को इंस्टॉल करना अपने एंड्रॉड फोन में बिना रूट किए हुए और हाँ गई अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट डाउन करके बताओ अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई इशू आ रहा है और हमारा इंस्टाग्राम पे भेजे है नर्स को टैक के नाम से उसको भी फॉलो कर लो और लेट्स सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय